नमस्कार, रिजूज किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं मशरूम मसाला। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है, आप भी मेरे तरीके से इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मशरूम लिए हैं, इनको उबालने के लिए मैंने रख दिया है और नमक ऐड कर दिया है। अब हम इन्हें उबलने देते हैं। इसके बाद में मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। आप रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, साथ ही उबले हुए मशरूम यहाँ ऐड कर देते हैं। कुछ मसाले लिए हैं मैंने, हल्दी पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर हम यहाँ ऐड कर देते हैं। इसके बाद में हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तीन से चार मिनट के लिए हम इसे फ्राई करते हैं। अब हम एक दूसरी कढ़ाई में टमाटर कटे हुए लिए हैं मोटे मोटे, साथ में हरी मिर्च अदरक को मैंने ऐड कर दिया है, लहसुन प्याज काजू यहाँ मैंने ऐड किया है, साथ ही इलायची और लौंग ऐड कर रही हूँ। आधा ग्लास पानी ऐड किया है और हम यहाँ पर बटर ऐड कर देते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बटर ऐड ना करें। अब इन्हें ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। जब ये गल जाएंगे उसके बाद में ठंडा कर कर हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने यहाँ घी लिया है, इसके बाद में बारीक कटी शिमला मिर्च ऐड कर देती हूँ। अब हमें एक से दो मिनट के लिए भूनेंगे और कुछ मसाले जैसे हल्दी लाल मिर्च नमक जीरा पाउडर और मिक्सचर ऐड करेंगे। अब इसे थोड़ा सा चलाते हैं, इसके बाद में इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं। कुछ पानी भी ऐड किया है ताकि हमारा मसाला लगे नहीं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर काली मिर्च पाउडर और हींग ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से चला लेते हैं मिक्स होने तक। अब मशरूम ऐड कर देते हैं और इन्हें भी अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। अब कसूरी मेथी यहाँ मैंने ऐड की है, कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुछ बटर ऐड किया है और इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। उबालने पर इसे हटा लेंगे। हमारा मशरूम मसाला तैयार है, धनिया से इसे गार्निश कर देते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।